और जिज्ञासा लाइब्रेरी में ये हमारे स्टूडेंट हैं जिज्ञासा लाइब्रेरी के, कपिल प्रताप सिंह। और कपिल प्रताप सिंह ने एसएससी एमटीएस का टेस्ट पास किया है, जिसमें इनकी जो ज्वाइनिंग है वो बेंगलोर में हुई है। और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, और उसमें इनका जो सीजीएल का एग्ज़ाम इन्होंने फाइनली पास कर लिया है, और सारे जो टायर वन टायर टू सारे क्लियर करके फाइनली ये सेलेक्ट हो चुके हैं। इनका जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1000 रैंक है। तो कपिल के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जो है जानकारी देना चाहता हूँ कि कपिल प्रताप सिंह ने कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल से इनकी एजुकेशन हुई, उसके बाद ये अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में पढ़े। तो ये गांव से बिलोंग करते हैं, इनका गांव डिगसी है, डिगसी गांव अलीगढ़ से जो हमारा जिला मुख्यालय है यहाँ से हार्डली 10 से 5 किलोमीटर है। तो गांव से ये शहर में किस तरीके से इन्होंने ये संघर्ष किया, और यहाँ पर ये अकेले रहते थे, और खाना भी ये स्वयं बनाते थे, और खाना इतना छोटा सा बच्चा शहर में अकेला रह रहा है और अपना भोजन भी स्वयं बना रहा है, और उस तरीके से फिर इन्होंने अपने जीवन में ये माइलस्टोन अचीव किया जो एक सपना होता है। सीजीएल की नौकरी एक बड़ी नौकरी होती है, इतनी छोटी नौकरी नहीं है, उसमें कई फेज से गुजरना पड़ता है। तो मैं कपिल को पूरी जिज्ञासा लाइब्रेरी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, और आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट एंड बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो मैं जानना चाहता हूं कि कपिल ये बताओ, इस एग्जाम में आपने सीजीएल के बारे में आपने कैसे सोचा, आपको प्रेरणा कहां से मिली, और ये एग्जाम के बारे में आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं? बहुत सारे एग्जाम्स हैं, टीचिंग के भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, और जो है बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हैं, तो इसी एग्जाम के बारे में आपने क्यों सोचा? हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? थोड़ा तेज बोल दो फिर मैं कॉन्फिडेंस। एक्चुअली सर, मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस के आगे कभी बोला नहीं है, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बट फिर भी एक तो साथ के हैं, फिर लड़कियों की मात्रा ज़्यादा है थोड़ी। लेकिन सर, अगर मेरा नाम कपिल प्रताप सिंह है, सर ने बताया, और मेरी स्कूलिंग भी सर ने बताई हुई है, और एक्चुअली मेरे करने के पीछे एक रीज़न है कि मैं थोड़ा क्रिस्टल क्लियर था शुरू से, 12th के जस्ट बाद से मेरा एयरफोर्स निकला था, तो ड्यू टू सम इश्यूज़ आई वॉज बैक्ड आउट फ्रॉम देयर। और उसके बाद मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो जो मतलब मेन चीज़ बच्चों के बारे ये होती है कि वो क्लियर नहीं होते, लाइक जो करना है, बीटेक की एक वेव चल रही थी उस टाइम पे जब मैंने 12th करा था, तो बीटेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे बीटेक नहीं करनी है। और मेरे पापा मतलब फार्मर हैं, तो दे कैन सपोर्ट मी वेरी वेल, क्योंकि मैं कृष्णा से मेरी एजुकेशन है, तो वो कर सकते थे, वो कहते थे कि मैं एट द एंड कुछ भी कर लूँगा, तू कर अपना, बट फिर भी हमको तो सोचना ही होता है माँ बाप के बारे में, वो तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन मैंने कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा पैसा, या तो तुम IIT की कर लो, तो वो मेरा हुआ नहीं था। तो मैंने एयरफोर्स का 12th के बाद तुम एयरफोर्स दे सकते हो, जो कि थोड़ी ठीक ठाक सी सही है, एक्स ग्रुप मेरा हुआ था, तो उधर से भी फिर कुछ इशूज़ थे, मेडिकल इशूज़, तो मैं नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने जस्ट स्विच कर दिया था 2019 के लास्ट में, जब कोविड आया था, मैंने कहा कुछ अलग ही करते हैं। अब उन लोगों ने जब निकला था मैं, क्योंकि मेरे कोई भी पॉइंट नहीं था, एक पॉइंट निकला था, और मेरी दौड़ वौड़ मैंने सबसे पहले मार दी थी, थोड़ा मैं जब कृष्णा में था तो उधर भी बास्केटबॉल खेलते थे, तो थोड़ा सा ही था, मतलब स्पोर्ट बैकग्राउंड थी। और उन लोगों ने भी जब मैं वहाँ से निकला था तो बोला था कि तुम सिविल में ट्राई करना, उधर थोड़ा मेडिकल इशू इतना नहीं रहता, तो कुछ आई से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद फिर मैं इधर स्विच करा 2019 के लास्ट में, और शुरुआत में एक दो महीने में ऑफलाइन गया था, तो मुझे वहाँ पे ये लगा थोड़ा कि ऑफलाइन जाने के लिए तुम्हें दो बार देखना पड़ता है कि तुम कैसे दिख रहे हो, कपड़े वगैरह वो ये सब, वो मुझे सही नहीं लगता था, तो मैं उधर से भी हटा लिया, मैं कि ऑनलाइन भी शिफ्ट हो रही थी चीज़ें, तो फिर मैंने ऑनलाइन पकड़ ली, और मैं अपने कमरे में अपना ऑनलाइन, और फिर मेरा 2021 का प्री निकला था, मेंस की तैयारी के दौरान ही मैं फिर सर से मिला था, तब आया था, मेरे साथ एक लड़की भी थी, दोस्त थी, हम दोनों ने साथ तैयारी करी थी, तो ऐसे देख रहे थे लाइब्रेरी, तो यहाँ पे वो सर का आपका बोर्ड लग रहा है ना, तो उसी को देख के आया था मैं किसी के थ्रू नहीं आया था मैं, कि यहाँ देखते हैं पास में, जब यहाँ आया तो काफ़ी सही लगा सर का जो वार्म वेलकम टाइप का था, कि इनका बताने का तरीका, वो सब मुझे सही लगा कि यहाँ सही रहेगा, तो फिर हम लोग आए यहाँ पे, पढ़ाई वढ़ाई हुई, तो लेकिन कुछ डिस्क्रिप्टिव में इशू आ गए थे, डिस्क्रिप्टिव इतना सही नहीं हुआ था, तो वो मेरा नहीं निकला। ज़्यादा लंबा तो नहीं जा रहा मैं, मुझे पता नहीं है, सही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर 2022 का काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, तो मैं से काफ़ी सारी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो मैं पता होगा अच्छी खासी वैकेंसी थी, तो
उसमें लग गए, और उसकी उसी दौरान 2021 वाला मेरा MTS भी दे दिया था मैंने, दूसरों ने ही बोल बोल के कि भाई कुछ तो कर लो, MTS भले ही तुम मत करना बट फिर भी पैर तो जमाई लोगे, तो उस चक्कर में मैंने MTS दे दिया। तो उसका इसमें कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरे 92 out of 100। वेरी गुड। और उसका आज ही अभी मेरे पे फ़ोन आया था डाक खाने से कि आपका वो आ गया है, तो बड़ी खुशी हुई। ज्वाइनिंग लेटर तो उसका मतलब वो तो अब CGL हो गया, तो देखते हैं क्या करना है। तो यही था सब कुछ, और आप कुछ पूछना चाहो कोई तो बहुत सही रहेगा, मैं फिर अपने बेस पे जो मैं एज पर माई नॉलेज आई विल गिव आंसर, मेरा तो यही है। मुझे ये पूछना है कि SSC CGL जैसे एग्ज़ाम के लिए जो आपने क्वालिफाई किया है, इसके लिए कितना समय बच्चे को पर डे देना चाहिए, और कितना मंथ का ये प्रोग्राम है, या सालों लग जाती हैं इसमें, या कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 1 year, हाफ 1.5 year, 2 year, वाट एवर यू फील, और पर डे कितना सिंसियरली से बच्चा यदि देता है, कोई भी स्टूडेंट सीरियस एस्पिरेंट है, तो कितने समय में इस तैयारी को करके वो इस मुकाम तक पहुंच सकता है? सर इसका आंसर वेरी कर सकता है, मतलब सभी कैंडिडेट्स अलग अलग होते हैं, तो कोई, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज अगर आंसर दिया जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि मैं 2019 के लास्ट से, मतलब 2020 समझ सकते हो, तो अब 22-23 चल रही है, तो 2 साल 1.5-2 साल तो लग जाते हैं, क्योंकि तो मैं कोर्स भी कंप्लीट करना है शुरू में, फिर मॉक में तुम्हारे कम आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे वो एकदम सैचुरेट हो जाते हैं, वो बढ़ते ही नहीं है कितना भी पढ़ लो। तो और एक चीज़ और जो मेरी पर्सनल है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तो कब तुम्हारे एग्ज़ाम निकलेंगे, तो मैं आज भी ये फील करता हूँ कि मेरी अभी चीज़ें रह गई हैं, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैथ वगैरह मेरा बहुत कंप्लीट है, आउट ऑफ, जबकि मेरे आउट ऑफ आउट आएँ, पूरे में से पूरे आएँ 2 बार 3 बार, तो लेकिन फिर भी तुम्हें ये अंदर से आएगा ही नहीं कभी कि तुम्हारा पूरा हो चुका है। तो ये है सर, ये एक जर्नी टाइप की है, पता नहीं कैसे हो गया और हो ही गया और हो जाता है, और वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम करते रहो कोई भी तैयारी हो बस हो जाएगा, अभी भी लगता है कि नहीं हुआ मेरी तरफ से। आपकी ये कपिल से मैंने दो बात समझी है, एक बात तो मैंने ये समझी है कि आपको एक एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, BDO का एग्जाम भी दे रहे हैं, लेखपाल का भी दे रहे हैं, CGL भी दे रहे हैं, बैंक PO भी दे रहे हैं, मतलब जो फॉर्म निकल गया उसको भर दे रहे हैं, प्यार किसी भी एग्जाम से नहीं कर रहे हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो एक ही एग्जाम से होता है और एक ही व्यक्ति से होता है ना, तो वो आपको जो है फोकस रहना चाहिए उस पर, आप प्यार करिए किसी एक एग्ज़ाम से। मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ को, मेरा भी अनुभव है इस चीज़ का, बहुत मेरे स्टूडेंट जो पढ़ाए हुए हैं वो अच्छी अच्छी जगह पहुँच गए हैं, अब तो लाइब्रेरी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो किसी एक एग्ज़ाम से आप मोहब्बत कीजिए और 100% आप उसमें कामयाब होंगे, और उसमें अच्छे से कामयाब होंगे। आप ये गलती मत कीजिएगा कि 15 दिन 20 दिन के लिए, अभी वीडियो का एग्ज़ाम आ गया है 26 जून को है, तो आप वीडियो पर लग रहे हैं, उसके बाद में फिर पता चला कि कोई और एग्ज़ाम आ गया फिर उस पर लग गए। आप एक एग्जाम दीजिए, चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाइए, चाहे आप CGL में जाइए, चाहे आप UPSC में जाइए, चाहे आप जो है किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस एग्जाम से आप प्यार कीजिए, उसके पूरे पैटर्न को समझिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा स्टडी करना है, पूरे सिलेबस को आपको जो है ठीक से समझना है। आप ये देखिए कि क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करके उसी की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जैसे कि उन्होंने कहा बहुत सारा सिलेबस छूट गया है, लोग क्या करते हैं कि दिखावा ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। घर से निकलेंगे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में रह रहे हैं 8 घंटे और स्टडी आवर्स आ रहे हैं उनके 2 or 3 hours आ रहे हैं बस, बाकी अपना घूम रहे हैं इधर उधर, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद में फिर घर पर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिविज़न करें, आप प्लानिंग के साथ यदि काम करेंगे और अपने टाइम को फुल यूटिलाइज करेंगे, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम है CGL में, UPSC के लिए भी बता रहा हूँ, सीधा सिस्टम है। आप 8 घंटे पढ़ाई कीजिए मन से और 8 घंटे आप सोइए, और 8 घंटे में आप अपने दोस्तों से जिससे भी बात करना है उसे करिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा जो अपने जीवन के लिए जो जरूरी है। ऐसा नहीं है किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके लिए मरे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एंजॉय भी करते रहिए। तो 8-8 घंटे का आप 3 स्लॉट बनाइए अपनी लाइफ के, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाई नहीं होगा, बस आपको अपने मन में लेकर के आना है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, हमेशा पॉजिटिव अपना सोच रखिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से पढ़ते रहिए और कंफर्ट जोन में रहिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, एनालिसिस जरूर कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम इतना बड़ा है कि जो क्वालिफाई नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप गांव से आए थे और यहाँ पर जो है बहुत सारे शहर के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि इतने 35 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरा है, 35 लाख स्टूडेंट अपीयर इन द SSC CGL एग्जाम, हार्डली 8,000 to 10,000 वैकेंसीज, तो उस रेशियो में 35 लाख के देखा जाए तो 8-10 हज़ार वैकेंसी जो होती हैं वो कम है, तो ऐसा कभी डर नहीं लगता था इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं मेरा चयन कैसे होगा, इससे
से तुम्हें क्या फील होता था कभी कभी? सर टू बी ऑनेस्ट, इसमें गांव और शहर का तो कुछ है ही नहीं। अगर देखा जाए तो गांव के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये तुम्हारे दिमाग में घुसा होता है कि तुम गांव से हो या फिर तुम बेकार बैकग्राउंड से हो, कि तुम कैसे लग रहे हो चार लोगों में खड़े हो, कि ये सिर्फ यहाँ है बाकी कहीं नहीं है। और सर अगर वो जो आप कह रहे थे कि सीरियस वाली बात, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे साथ के 5-6 हम सेलेक्टेड हैं, 2-3 लड़कियाँ, हम सारे ग्रुप था एक, और सारी सेलेक्टेड हैं अब की बार। तो उन सबको मैंने देखा है, एक चीज़ कॉमन थी सब में कि ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मस्ट टू बी सीरियस टू लुक लाइक सीरियस। मतलब सीरियस दिखना मस्ट नहीं है कभी, रहो जिस टाइम तुम अपने डेस्क पे हो तो अब तुम सीरियस रहो, तब मजाक मत करो, लेकिन जब तुम निकल लो तो चिल भी रहो। ऐसा नहीं है कि दिखने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेक्स लगा लियो और दिख रहे हो कि हाँ, वो चीज़ मेरे हिसाब से इतना वर्कआउट नहीं करती है। यू हैव टू बी सिंसियर एट योर स्टडी टेबल। और बाकी मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब पार्टी हो रही हो तो तुम ही पार्टी मैन होने चाहिए हो, तुमसे ज़्यादा कोई एंजॉय नहीं कर रहा हो। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट में शायद तुमसे बढ़िया ना पढ़ रहा हो कोई, बस दो चीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली मैंने भी सक्सेसफुल पर्सन्स को देखा है, वो जिस जगह होते हैं उस जगह को एंजॉय करते हैं। वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू द हैप्पी एंड गे। इट मीन्स कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ठीक से पढ़ें। अब आप पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, शाम को सपोज किसी का बर्थडे है, आप लाइब्रेरी में बैठ के उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मुझे शाम को बर्थडे में जाना है, क्या गिफ्ट लेकर के जाना है, ये सोच रहे हैं आप। अब वहाँ बर्थडे में बैठे हैं तो आप वहाँ बर्थडे को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ना डांस कर रहे हैं, ना कुछ ठीक से वहाँ पर बात कर रहे हैं किसी से। आपको चिंता हो रही है, अरे यार मेरे तो 2 घंटे बिगड़ गए, मेरे लाइब्रेरी में पढ़ लेता। तो व्हेन यू आर इन लाइब्रेरी तो आप क्यों सोच रहे हैं बर्थडे के बारे में? और जब आप सेलिब्रेशन में हैं तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। यही एक अच्छे और एक सक्सेसफुल पर्सन की निशानी होती है कि वो जिस मोमेंट पे होते हैं उस मोमेंट को वो एंजॉय करते हैं। तो जिज्ञासा लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इस समय हमारी लाइब्रेरी बिल्कुल जो है फुल चल रही है, बड़ा अच्छे खासे सिलेक्शन भी मिले हैं, एक वर्ष के अंदर अंदर काफ़ी सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बिल्कुल सर, सर एक चीज़ जो इस लाइब्रेरी को थोड़ा डिफरेंस बनाती है औरों से, मैंने एक दो और भी देखी हैं, इवन मेरे दोस्त की लाइब्रेरी थी, मैं वहाँ पे भी नहीं गया था इसी वजह से, क्योंकि माहौल एक चीज़ होती है, माहौल मिलना। सर का एक चीज़ बढ़िया लगती है कि ऐसा शायद ही तुमने कोई लाइब्रेरी देखी होगी जो ओनर, मतलब सर हैं एज अ टीचर और फिर ओनर तुमसे इतना इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं रोज़, मतलब हर हफ्ते तुमसे बुला ही लेते हैं कि मतलब, तो मैं थोड़ा वो फील होता है, वार्मनेस लगती है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसी को कोई लेना देना नहीं, अगर तुम वैसे देखोगे तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या ही है, तुम पैसे दो और जाओ। लेकिन इस चीज़ से ये थोड़ी सी डिफरेंट है कि थोड़ा यहाँ पे सर थोड़ा कनेक्ट करना, मतलब अच्छा लगता है सर को और सर भी कनेक्ट करते हैं आपसे, तो ये है जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, बाकी तुम कहीं भी लाइब्रेरी जाओ और यही है सर, क्योंकि आपके अंदर टीचर है ना सर एक, बाकी सब बिजनेस। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मैं खुद आज भी 3-4 आवर्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। इसके साथ एक कारण और भी है, क्योंकि हमारी रूरल बैकग्राउंड रही, गाँव से हम बिलोंग करते हैं, अच्छी एजुकेशन ली हमने, इसमें कोई दोराय नहीं है, फादर हमारे एडीओ थे तो हमें कोई परवरिश की कोई कमी नहीं रही, लेकिन दिल में ये था कि हम कोई अच्छा कंपटीशन कभी अच्छे से तैयारी करके हम नहीं कर पाए, मतलब तैयारी नहीं की है ना, ठीक से हम कोई पेपर नहीं दिए कभी। तो हमें ये लगता था कि जो कमी हमसे रह गई वो जो लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम सब में मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे लगता है कि जो मिस्टेक्स जो गलतियाँ मैंने जीवन में की हैं वो ना करें। आप एक बात बताइए देवेश भाई कि आप यदि 10 फुट गड्ढा 10 जगह खोदोगे कभी पानी आएगा? और आप एक ही जगह 100 फुट खोद दोगे, 10-10 फुट 10 जगह खोदने से अच्छा है कि 100 फुट एक जगह खोदिए जिससे आपको पानी पीने के लिए मिलेगा। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम 10 एग्जाम 5 एग्जाम दे रहे हैं, एक एग्जाम दीजिए, ढंग से दीजिए, उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जैसे कपिल आज हमारे साथ खड़े हैं, जल्दी ही आप में से कोई फिर यहाँ खड़ा होगा। ये जो टाइम है, देखिए आप फीस देते हैं, मैं आपको सुविधाएँ देता हूँ, उसमें कोई प्लेजर नहीं है। असली प्लेजर यही है जिस काम के लिए हमने लाइब्रेरी खोली है, कि यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन हो। कोई सिंगल स्टूडेंट भी मेरे पास किसी भी बात को लेकर के कहने के लिए आता है तो मुझे लगता है उसकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है लाइब्रेरी में, राइट? इसका कारण क्या है कि हम कोचिंग से, हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारा इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, लेकिन लाइब्रेरी में बच्चों को कम्फर्टेबल जोन में रह करके पढ़ें, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रहें, अनुशासन मेंटेन रहे। जो बच्चे गली में मोबाइल पे घूमते हैं लेकर के या इधर उधर बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपना समय बिगाड़ रहे हैं, तो मैं बुला के उन्हें टोकता भी हूँ
कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ भाई, इसलिए एक अनुशासन के साथ में अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे और यहाँ जो पढ़ रहा है वो बच्चा सफल हो के जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और अपनी हर कोशिश में ईमानदार रहिए, आपको किसी को दिखाने के लिए पढ़ना है? जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ के जाएंगे घर पे और घर पे जाके दिखाएंगे हम कितना पढ़ के आए हैं, अरे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल अपनी कोशिश में ईमानदार रहिए, आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है। हमारी पंचलाइन भी यही है, कोशिशों में रहें ईमानदार। जो टास्क परमात्मा ने आपको दिया है, परमपिता परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है पढ़ने का, लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता भाई। क्यों भाई हर्ष चौधरी, बहुत सारे लोग हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है पढ़ने का। आपको ईश्वर ने पढ़ने का मौका दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उसका शुक्रगुजार कीजिए और मेहनत से पढ़ते रहिए और कामयाब होइए, एक खुशियां बांटिए यही, और एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए। बर्डन नहीं लेना है, बर्डन का मतलब जैसे आप हर समय सोच रहे हैं ओहो आज कपिल का हो गया, मेरा होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार, कपिल भी तुम्हारी तरह ही है, सारे बच्चे तुम जैसे ही होते हैं। इसलिए अपने हृदय से बस मैं यही लास्ट में कहना चाहता हूँ कि कोशिशों में रहें ईमानदार, अपनी ईमानदारी से कोशिश करिए, किसी को अटैची लेके मत चलो। अटैची का मतलब समझते हो, इतनी सारी किताब लेके चल रहे हो और दिखा रहे हो लोगों से हमेशा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिखावा नहीं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपको ही पता है कि किस, भाई मुझे तो पता चल ही जाएगा आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो, लेकिन किसी अपने सामाजिक व्यवस्था में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, घर वालों से भी ये कहिए कि वो किसी को ना बताएं कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबको अपने आप पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा उस दिन? तो इसलिए रिजल्ट बताएगा, आप खुद नहीं बताएं। हाँ ठीक है हम काम कर रहे हैं, जाते हैं थोड़ा बहुत देख लेते हैं किसी एग्जाम के लिए, बस इतना एक थोड़ा सा इशारा करिएगा। ये नहीं हो को मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, सीजीएल की कर रहा हूँ, यूपीएससी कर रहा हूँ, उससे मिशन तुम्हारा कमजोर हो जाता है। मैं अपना व्यक्तिगत अपना जो है सुझाव दे रहा हूँ कि जिस एग्जाम के लिए आप समर्पित हैं वो आप मिशनरी भाव से लगे हुए हैं, उसकी जानकारी पूर्ण आपको ही होनी चाहिए, बाकी आप ढिंढोरा मत पीटिएगा, राइट। और अपनी किताबें जो हैं, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि 1 किताब को 10 बार पढ़ें, ठीक से पढ़ें, कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, समझ के पढ़ें, सब कामयाब होंगे। अब एक बात जो मैंने अभी फील करी है, क्योंकि आफ्टर सक्सेस वो बाद में ही पता चलती है, वो है कि तुम्हारे पापा मम्मी का रिएक्शन मतलब अलग ही। और मतलब पापा तो, मेरे पापा बहुत डांटते थे मुझे, इवन मैं जब छोटा था तो मैं शरारती बहुत था, पिटा भी बहुत हूँ। तो अभी चीज़ें एकदम बदल गई हैं, अभी पिताजी मतलब कुछ कहते ही नहीं है, तो अजीब चीज़ें हो जाती हैं। तो और वैसे भी पढ़ाई का मेन चीज़ है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए जो हमारी इंडियन सोसाइटी फ़िलहाल भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू स्टडी, बिकॉज फ्री स्टडी का दूसरा नाम फ्रीडम है, आज़ादी। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू कैन डू दैट, और मेन चीज़ आज़ादी ही है। तुम अपने आप को अपने तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो और तुम नहीं कर पाते हो क्योंकि यू आर फाइनेंशियली डिपेंड ऑन समवन एल्स, और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सक्सेस के बाद ही अलग ही फील आएगा। और हाँ, तुम में से देखना अगले साल तक 2-4 और निकलेंगे, ऐसे ही निकलते हैं, कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है वहाँ से यहाँ तक का। मैं भी वहीं था, काफ़ी टाइम वहाँ खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली क्या है, एक तो ये बच्चे जो लाइब्रेरी में इरेगुलर रहते हैं, कभी आ रहे हैं, कभी छोड़ के चले गए, फिर चले गए, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका चयन न हो, आप अपनी एक तपस्वी की तरह एक सीट पर बैठ के तपस्या करें। जब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे भी सीखने को मिला आज कपिल से, मैं भी बहुत सारे मोटिवेटर्स की स्पीच सुनता रहता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन इसने जो बात कही है कि स्टडी इज फ्रीडम, लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि आप पढ़ जाएंगे लड़कियां, आप कामयाब हो जाएंगी तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आप अपने हिसाब से अपने जीवन को जी सकते हैं। अदरवाइज आप किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे, तो डिपेंड रहेंगे तो आपको पैसा लेना पड़ेगा, किसी के बर्थडे में जाना है, कुछ और करना है, अपने हिसाब से आपको अपने जो अपनी आवश्यकताएँ उनको पूरा करना है। तो स्टडी आप करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे तो आप स्वतंत्रता से रह पाएंगे। इस बात से सारी गर्ल्स सहमत हैं? हाँ, तो सहमत हैं तो जान लगा दो पूरी। ये कपिल ने बहुत बढ़िया बात सिखाई आपको आज सारी लड़कियों के लिए, स्पेशली इस बात के लिए क्लैपिंग जरूर करें कि स्टडी जस्ट लाइक द फ्रीडम। आप मन से पढ़िए और अपने फ्रीडम को लीजिए और अपने जीवन को अच्छे से जिएगा, है ना? हाँ, और मुझे भरोसा है कि जितने भी बच्चे हमारे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो सब अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि हम स्क्रीनिंग करके वहाँ से भेजते हैं हर किसी को जो लगे हुए हैं, ये मेहनत से ही लगता है। हाँ, नहीं खाली यही ना लगे रहूँ, अंदर भी लगा है, दिमाग में भी लग जाए, है ना? ये अच्छा है, मैं मानता हूँ, अपना टाइम टेबल है, चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग सब चलता है। आई एम हैप्पी एंड ग्लैड, अच्छा है, ये होना चाहिए, बट जो भी है दिमाग में भी रहे हर चीज़। एक सारे बच्चों को मैं पता बहुत दिन बाद एड्रेस कर रहा हूँ आज, पहले मैं 15 दिन में करता था, फिर मुझे लगा कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है बच्चों का, तो मैं सोचता हूँ कि जब कोई चैन हो किसी न किसी का तभी बच्चों से इंटरेक्ट किया जाए, बाकी कान में बात कह देता हूँ जिससे कहनी है, समय वेस्ट ना हो सबका एक साथ। महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अपने पास डायरी और पेन जरूर रखें। अभी भी आप मोबाइल में लिख लेते हैं,
मोबाइल में लिखने से अभी वो चीज़ नहीं आती है। ये साइंटिफिक रीज़न है इसका कि डायरी में जो भी आप अपना मिशन लिखते हैं, डेली की प्लानिंग लिखते हैं, अपने टारगेट सेट करते हैं, वो अभी भी इफेक्टिव है। तो डायरी आप अपने पास रखिएगा, स्मॉल डायरी इन योर पॉकेट, एंड जब भी कोई बात दिमाग में आए कभी भी उसको तुरंत नोट कर लें। मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीज़ दिमाग में आ गई, मुझे ये करना है, ये बुक परचेज़ करनी है या ऐसे पढ़ना है, उसको तुरंत नोट कर लीजिए। मतलब इस तरीके से अपने काम को करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज़ है कुछ भी हासिल करना। तो कल मेरे हाथ पड़ गया कैसे, तो इस पर लिखा हुआ है 2022 SSC CGL एग्जाम दिसंबर लिखा हुआ है, कपिल ठाकुर इंस्पेक्टर प्री प्लस मेंस, और नीचे इन दोनों के साइन हो रहे हैं। किस किस के साइन है, तनुज के और भाई के और हर्ष भाई के। अच्छा, इफ योर फ्रेंड्स आर बिलीविंग इन यू लाइक दैट इमेंस फेथ, तो तुम कुछ भी कर जाओगे, ऐसे दोस्त पकड़ो लाइफ में। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, स्पेशल। और ये शायद मेरा लाइफ टाइम रहेगा ये पेज मेरे पास, इसको लैमिनेट करा लीजिए, ये भी एक डॉक्यूमेंट है आपके लिए। देखिए तो ऐसे कोई, दोस्त बहुत जरूरी है। हाँ, कोई ना कोई एक बार हर्ष के लिए और एक बार तनुज चौहान के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, ऐसे दोस्त थे। अदरवाइज तो लोग यही कहते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो क्या कहते हैं कि ये होगा नहीं, इतना बड़ा एग्जाम है, ये नहीं कर सकते हम, या तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोस्तों का काम है मोटिवेट करने का। और देखो तुम्हारे सामने ये कागज इन्होंने दिखाया, ये इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। इसलिए जीवन में कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जरूर रखिएगा, जरूर रखिए। चाहे अपने माँ बाप को खुशी देनी है, हमें इसलिए पढ़ रहे हैं हम, अपने समाज में नाम ऊँचा करना है इसलिए पढ़ रहे हैं हम, या किसी अपने दोस्त को प्लेजर देना है, हमें खुशी देनी है, उसलिए पढ़ रहे हैं हम। कोई ना कोई आपके पास सोर्स ऑफ मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। जब तक सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होगा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो आपको बेड पैसे उठा करके कुर्सी मेज पे पहुंचा सके, ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। वो दिमाग में है, जैसे इन्होंने दिखाया अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही सब दोस्त एक दूसरे से, मतलब जैसे हमने देखा है कि एक लाइब्रेरी में एक बच्चा था, उसको तैयारी करता था वो, तो उससे दरोगा दरोगा कहते थे सब कि दरोगा जी आ गए, दरोगा जी, यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, वो दरोगा हो भी गया है ना, राइट। वो आज दरोगा है, मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रहा है, राइट। ऐसे ही जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनके साथ वाले अच्छा सोचते हैं, ये सब परवेश की बात है। तो मैं बड़ा अच्छा लगा है मुझे, सब जो एक दूसरे के फ्रेंड हैं वो इसी तरीके से सबको सकारात्मक तरीके से उन्हें मोटिवेट करते रहिए, उनको पुश करते रहिए, धक्का लगाते रहिए, सब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।